नमस्कार, मैं राजन श्रीवास्तव आपके बीच एक बार फिर आ गया। आज पवित्र दिन है, इतना पवित्र दिन है, भक्ति का बहुत ही पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का त्योहार साल का सबसे पवित्र दिन होता है। किसी ने कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर। बिना गुरु के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम ये चाहें कि हम सीधे भक्ति कर परमात्मा को प्राप्त कर लिए, संभव नहीं है। बिना गुरु के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुरु के चरणों की वंदना जरूर करनी चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ही परमात्मा, और गुरु में गुरु महान होता है, क्योंकि गुरु जो है परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में गुरु की चरण बंदन पूरे गुरु पूर्णिमा के समय करना चाहिए। गुरु की चरण बंदन से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं है। गुरु की भक्ति गुरु पूर्णिमा में तो करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि गुरु परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग बताता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, कोई गुरु से बड़ा नहीं है। गुरु परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताता है। गुरु के चरणों में हमेशा ठंडक मिलता है, गुरु को से आशीर्वाद मिलता है, गुरु के चरणों में समस्याओं का समाधान होता है। अगर हम अपने गुरु को पुकारते हैं तो आवाज़ परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए गुरु के चरणों का वंदन जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ा पर्व होता है गुरु पूर्णिमा, कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को जरूर हम ध्यान करना चाहिए, गुरु का चरणों का वंदन करना चाहिए। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी भक्ति पूजा करें। कभी साहब को अपना गुरु मानकर उनकी भक्ति पूजा कर सकते हैं, लेकिन गुरु की भक्ति करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की चरणों की वंदन करना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा तक पहुँचाने का मार्ग है। बिना गुरु के हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु को सत्य मान लेंगे तो हमको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।